हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ऑनलाइन ब्यूटी का क्लासेस में आईब्रोज अपने आप से कैसे करते हैं, वो मैं आपको आज दो तीन मेथड बताती हूँ, आप उससे ट्राई कीजिए और अपने आप से आईब्रोज, अपर लिप्स, फॉरहेड आप अपने आप से कीजिए। घर पे पार्लर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में मेरा लॉस कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर पार्लर में कोई जाएगा नहीं तो मेरा पार्लर कैसे चलेगा। पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अपने आप से आप आईब्रोज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए गाइस मेथड है, इस तरह से धागा लीजिए, इसको इतना कट तोड़िए, इसको यहाँ पे गांठ मार ली है। मैं आपको तीन मेथड बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से गांठ मार ली है और गांठ को अपने साइड लीजिए। ये हमारा स्टार्ट हो गया। हम इस तरह से पहले तो इसी तरह से प्रैक्टिस कीजिए आप, इसको अच्छे से फिर इस तरह से अपना अपर लिप्स वगैरह कर सकते हैं इस तरह से, और इसी तरह से आप आईब्रोज भी कर सकते हैं। देखिए गाइस, पूरी तरह से ऐसा अच्छे से, अभी मेरी आईब्रोज तो की हुई है लेकिन ये देखो बाल सब निकल रहे हैं। फॉरहेड पूरा अच्छे से कर सकते हैं, इसी तरह से आप अपर लिप्स भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस तरह से इसको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए स्मूथली। जितना आपका हाथ घूमेगा ना दोनों साइड से, तो आप आईब्रोज अच्छे से कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट मेथड, आपको मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ। उसके लिए हमें सेकंड मेथड इस तरह से अपने पाँव में थ्रेड को बांधना है। इस तरह से, और ये हमारा हो गया। इस तरह से हम अच्छे से थ्रेडिंग कर सकते हैं, अपना अपर लिप्स अच्छे से निकाल सकते हैं। पहले आप अपर लिप्स पे ट्राई कीजिए, इस तरह से करके पैर में इस तरह से धागा को बांध लेना है, इस तरह से ट्विस्ट करना है। और शुरुआत में आपको आएगा नहीं आईब्रोज करने अच्छे से, तो आप उसको पहले अपर लिप्स के बालों को और फॉरहेड के बालों को निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। अपर लिप्स के बाल बहुत अच्छे से निकल जाएंगे इस तरह से पूरे आपके बाल में, ठीक है। ये है सेकंड मेथड। अभी मैं थर्ड मेथड दिखा रही हूँ आपको। थर्ड मेथड में आपको इस तरह से यहाँ कोई भी आप कड़ी लीजिए, दरवाजे की कड़ी रहेगी, कोई भी कुछ भी रहेगा, वहाँ पे धागा आप बांध लीजिए और इसको ट्विस्ट कीजिए और अपने हिसाब से फिर आईब्रोज इस तरह से कीजिए। ये देखिए आराम से आप कर पा रहे हैं, आईब्रोज को आराम से इस तरह से आप आईब्रोज को स्लोली स्लोली एक एक बाल अच्छे से निकाल सकेंगे। और इसी तरह से आप इसको अपर लिप्स भी कर सकते हैं। तीनों मेथड आपने पहले ट्राई करनी है, अपर लिप्स पे और फॉरहेड पे, उसके बाद ही आप आईब्रोज पे ट्राई कीजिए। अगर एक बार आपका हाथ फ्लेक्सिबल हो जाता है इस तरह से, तो फिर आप आईब्रोज इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये तीनों मेथड कैसी लगी, आप ज़रूर से ट्राई करना घर पे। और आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो और हम ऑनलाइन ब्यूटी कोर्स में रोज़ नई नई बातें सीखते रहेंगे। ओके गाइस, तो बाय।